क्या कर रहे है? क्या कर रहे है? तेरे को देख रहा है। अटैक तो नहीं करेगा? अटैक तो नहीं करेगा? अटैक ना कर दे भाई कहीं। कर लग रहा है मेरे को। हैं? नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। ये हम तो बचा रहे हैं भाई। अरे मेरे पास मत ला, मेरे पास मत ला। भाई नहीं। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो अभी सुबह सुबह आया हूँ नए घर काम देखने के लिए। होली के बाद से ना काम थोड़ा स्लो हो गया, बिकॉज सारे गए हुए हैं अपने अपने घर पे होली मनाने के लिए, तो तब से वो आए नहीं है। तो अभी तीन चार लोग लगे हुए हैं, दिखाते हो कितना काम हो रहा है अभी। ये देखो अभी पूरे घर में सिर्फ दो तीन जने काम कर रहे हैं, ये प्लस्तर कर रहे हैं अभी। यहाँ पूरा प्लस्तर बाकी है, देखो इधर भी बाकी है, इधर भी बाकी है। गाइज अब सिर्फ तीन काम रह चुके हैं सबसे मेन। प्लस्तर होने के बाद ना यहाँ पे होगा पेंट, टाइल और पत्थर वगैरह, उसके बाद फिर फर्नीचर का काम, बस फिर उसके बाद कंप्लीट। तीन काम मेन है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, वो तो साथ साथ में हम कर ही लेंगे। गाइज आजकल तो एकदम शांति हो रखी है अंदर, तो यहाँ पे बिल्कुल क्योंकि काम ही नहीं चल रहा है। तो जितने वर्कर्स देख रहे हैं, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ आ जाओ जल्दी से, काम निपटा दो ताकि हम जल्दी शिफ्ट हो पाए। भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार यहाँ पर रहने की, फैमिली के साथ में इस नए घर में, अपने अपने रूम में ऊपर। गाइज यहाँ पर एक बर्ड मिली है, बेचारी चल नहीं पा रही है, इसके पैर में दिक्कत है कुछ। अरे बिल्ली आ रही है, बिल्ली खाना चाहती है इसको, बट हम बचा लेंगे। नहीं ठीक हो जाएगी इसको अगर डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना। डर रही, डर रही। जा पास मत जाओ, पास मत जाओ। पकड़ा था अभी हमने, पकड़ा था, पकड़ के तो दिखाया पैर। हाँ पिचक गई वो बिल्कुल। कैसे पिचक गई टांग? ये वाला पैर, ये टूटा हुआ पैर, मतलब ये टूटा है ना, ये टूट गया है। सही है ना? जैसे ये टूटा पड़ा है। कहाँ से गिरा है? यहाँ तो कुत्ता बिल्ली ले जाएंगे। एक काम करो, घर ले चलो इसको, घर चलो, चलो एक बार। क्या पता हमको अपने पास रखनी पड़े कुछ दिनों तक। ओरियो कर देगा काम है? ओरियो नहीं करेगा, ओरियो ऐसे नहीं मारता किसी को। चलो भाई चलते हैं, एक बार डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, पहले पूछते हैं डॉक्टर कौन है। तो गाइस हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, थोड़ी देर यहीं बैठने देते। हमने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर कह रहे कि एक घंटा लगेगा, एक घंटे बाद जाना है हमको, तो एक घंटे तक यहीं रखना पड़ेगा घर पे ही। तो हमने वहाँ पे रख दिया एक घंटे तक, एक घंटे के बाद ही जा सकते हैं हम। होपफुली बस ठीक हो जाए, चाहे हमारे पास रखना पड़े हमको दो तीन दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो पी रहा है यार, पानी तो पी रहा है, पानी पूरा जम के पी रहा है। चलो गाइस अब टाइम आ चुका है, अब उठाते हैं और चलते हैं हॉस्पिटल। ध्यान से, ध्यान से, डर रही है, डर रही है, ध्यान से। हाँ बस ऐसे पकड़ ले, बस काट नहीं रही, अच्छी बात है। दर्द हो रही है ना उसको, दर्द में तो और काटते हैं। गाइज हम इसको लेके जा रहे हैं ओरियो के डॉक्टर के पास, डॉग के डॉक्टर के पास। यहाँ पे ना कोई बर्ड का है नहीं डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, ना काट रहा है ना छटपटा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। ये क्या सोच रहा होगा अभी, पूरी दुनिया बदल गई होगी इसकी ना जब से इसके पैर में लगी है। लगी कब से है पता नहीं, कब से लगी है, कहाँ कहाँ लगी है कुछ नहीं पता। जैसे बर्ड्स खड़े होते हैं, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। गाइज हम पहुँच तो गए लेकिन अभी डॉक्टर ही नहीं आए, तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में। लोग तो खा जाते हैं इनको, है ना, खा जाते हैं। उनने जिंदा थोड़ी देखा होता है, उनने अपनी प्लेट में देखा होता खाली, और हम बचाने के लिए आए हैं। दया आ रही है देख के यार। और गाइस कोई छोटा मोटा बर्ड नहीं है, बहुत बड़ा बर्ड है ये, देखो ए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ये देखो पंख, देखो भाई कितने खतरनाक पंख है यार। क्या कर रहे है? क्या कर रहे है? देखो देख रहा है, अटैक तो नहीं करेगा, अटैक तो नहीं करेगा, अटैक ना कर दे भाई कहीं। कर लग रहा है मेरे को। है? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये हम तो बचा रहे हैं भाई। अरे मेरे पास मत ला, मेरे पास मत ला भाई, भाई प्लीज। अरे काट देगा मुझे, अरे मत कर भाई। हमने तेरे को पकड़ नहीं रखा भाई, हम छोड़ देंगे ठीक होने के बाद, छोड़ देंगे भाई, पकड़ नहीं रखा होने के बाद, चाहे तो उड़ जाइयो। अब भगवान ने हमारे तक भेजा है तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे ना कि ठीक हो जाए। अरे ये फिर बाहर निकल जा रहा है यार, ये अनकंफर्टेबल लग रहा है ना उसको, उसको लग रहा है मेरे को कैद कर रहे हैं, बट कैद नहीं कर रहे यार हम। होटल बुक करो यार इसके लिए, तेरे को उड़ने वाली फील देता हूं ले। डॉक्टर आ चुके, अब चलते हैं इसको लेके। ट्रीटमेंट हो चुका है, दवाइयां मिल गई भाई इसकी। देखो तो गाइस डॉक्टर को दिखा दिया है, डॉक्टर ने इसको पट्टी कर दी है और इसके एक हाथ पूरा टूट चुका है, मतलब पट्टी वगैरह लगा दी है। तो उन्होंने कल फिर से बुलाया और दवाइयाँ भी दे दी है, ये इसके पानी में डालनी है, दर्द की दवाई है ये, और बोला है इसको पिंजरे में रखने के लिए, जब तक ठीक नहीं होता इसको पिंजरे में रख देंगे, कहीं कोई बिल्ली, कहीं कोई डॉग या फिर ओरियो कोई परेशान ना करे इसको। तो अब जा रहे एक पिंजरा खरीदने के लिए, पिंजरा लेते हैं और फिर चलते हैं घर। अब इसको अपने पास ही रखना पड़ेगा जब तक ये ठीक नहीं होता, होपफुली बस जल्दी ठीक हो जाए यार। वैसे डॉक्टर कह रहे चांसेस बहुत कम है इसके ठीक होने के, बिकॉज ये बर्ड ना नॉर्मल बर्ड नहीं है, ये बड़ी वाली बर्ड है ये, और ये खाना भी अपने मर्जी से खाती है, अगर मैं हम खिलाएंगे तो नहीं खाएगी ये, तो डॉक्टर ने ये बोला। तो देखते हैं खाती है या नहीं खा पाएगी, जो भी होगा आने वाले ब्लॉग्स में देखना आप। बाकी हम तो पूरी कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की और इसको हेल्दी बनाने की, और फिर ये उड़ जाएगी अपने अपने जंगल में चली जाएगी अपने आप। तो अभी आ गए पिंजरा लेने के लिए, तो गाइस ये वाला पिंजरा ले लिया है और साथ में मैंने खाना भी ले लिया है, वो बर्ड ही खा लेगी ना पक्का, पक्का। चलो गाइस हम जितना कर सकते थे हम कर रहे हैं, बाकी भगवान के ऊपर है अब,
जो भगवान चाहेगा वही होगा। वैसे ना ये रोज ना दुनिया आसमान से देखता था, आज इंसानों की तरह दुनिया देख रहा है। हाँ अच्छा, गाड़ी में बैठा है, लाइफ में पहली बार गाड़ी के अंदर बैठा होगा ना ये। गेट कहाँ है? अच्छा ये रहा, चले जाएगा इसके अंदर, चले जाएगा इसके अंदर। खाना डॉक्टर ने बोला अगर खाना खाएगा तो सही रहेगा, खाने में ये दिया है। दलिया? दलिया नहीं, ये है बस, इन्हीं का होगा ना। इसमें खाना डालते हैं बट इसको निकाल रहे हैं हम, इसको दिक्कत होगी ना इससे, इतना ऊंचा तो जाएगा। हाँ ये इससे दिक्कत ही होगी। डाल। तो अब डाल रहे हैं दवाई जो डॉक्टर ने दिया ना इसके पानी में डालने के लिए, और वो दर्द की दवाई है, इसको दर्द नहीं होगी फिर। बड़ा अच्छे अच्छे से बैठ गया, देखो पानी भी रख दिया हमने, खाना भी रख दिया। अब इसमें तो सिरिंज है। हम्म, सिरिंज इसमें तो उसके लिए प्रे करना कि जल्दी ठीक हो जाए, उड़ जाए। ठीक है, अपने भाई बहन माता पिता सगे संबंधियों के साथ जाए खुशी खुशी। अच्छा मेरे को पता नहीं क्या कह रहे हैं, अपने भाई भाई इनके पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उसके। मैं कुछ और ही सोच रहा था, पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। अरे उसके जो रिलेटिव होंगे कुछ उनके साथ जाना चाहिए ना उसको। गाइज हमको ना बर्ड्स पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो पालते हैं ना हमको वही पसंद नहीं है इस तरह से केज में रखना। बट हमने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि इसको कोई जानवर या फिर यहाँ पे बिल्ली बहुत आती है, बिल्ली और यू है डॉग है, वो इसको कुछ ना करे बस इसलिए, और इसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक हो जाए बस ये। इसको वहीं रख के आएंगे जहाँ से इसको लाए थे। भाई ये देखो पूरा सूंघ रहा है मुझे, इसको बर्ड की स्मेल आ रही होगी ना। तो हमने बर्ड को दूसरे वाले घर पे रख दिया है, वहाँ पे ओरियो भी नहीं है, कोई डॉग भी नहीं है और बिल्ली भी नहीं है। तो अब खाना खा लेता हूँ भाई, भूख लग रही है, लंच भी नहीं किया। टाइम देखो भाई 7 बजने वाले हैं, अब खाना खाऊंगा मैं। दाल चावल बने थे, देखो आज हमने एक बर्ड को बचाया। तो इसमें काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि तुमने क्यों बचाया, वो नेचर है, नेचर में ऐसे ही मरते हैं, ऐसे ही वो बिल्ली उस पर अटैक करके उसको खा जाती। बट हमने जब देखा ना तो भाई हमने देख लिया वो, और हमको फील हो रहा है कि भाई कि हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, हमको दया आ रही है, तो हमारे अंदर वो फीलिंग आ गई ना, वो भी भगवान ने दिया ना। तो उसके बाद तो भाई हम नहीं रुक सकते ना, उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। अगर हमने देख लिया, हमने नहीं देखा है, नेचर में जो हो रहा है वो हो रहा है, बट हमने जब देख लिया है तो भाई अब तो नहीं छोड़ सकते ना। और मैं कोई अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है इस तरह से रेस्क्यू करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को। और मेरे ख्याल से क्या पता वो करंट लगने की वजह से या फिर किसी दार में उलझने की वजह से उसके पैर खराब हुए हों, बिकॉज इतना बड़ा बर्ड है। तो अभी गाइस एक बॉक्स रिसीव किया हमने, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। कहाँ से भेजा है ये? भेजा है, इसमें लिखा ही नहीं हुआ, हल्का है, बिल्कुल ही हल्का बॉक्स है। कपड़े तो नहीं? कपड़े इसके अंदर तो अखबार है। अबे अखबार है इसके अंदर, अखबार ही अखबार है इसमें। अबे दादी के लिए अखबार, दादी के लिए क्या अखबार? दादी आप फुल पढ़ रहा हूँ ये फ्रेम में क्यों है इससे? तो गाइस कभी दांत भेजिया करो यार, मैं दांत नहीं आ रहा यार, ऐसा जो रही है ऐसा जो रही है, दांत नहीं आ रहा, दांत नहीं आ रहा। अभी बता रहा हूँ, भगवान की मूर्ति होगी या फिर आपका स्केच होगा पक्का? मेरा स्केच होगा। नहीं मतलब स्केच होगा मेरे को लग रहा है। आपसे बच्चे वाली चीज नहीं खुली। चलो पहले आप ही देखो क्या है। अगर आपने देख लिया तो क्या है? अरे अरे देखो उधर क्या है, देखो है, देखो क्या है, देखो तो देखो, बताना क्या है। देखो ओह पीयूष है तो मस्त भाई, बहुत प्यारे। लेटर में लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे पीयूष, पीयूष की पहली बर्थडे विश है भाई। इसमें लिखा है मेरी पहचान अननोन ही रहेगी, मतलब बताया नहीं है, अपना नाम भी नहीं बताया, कहाँ से भेजा है ये भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया भाई। थैंक यू जिसने भेजा, थैंक यू सो मच। तो अब करता हूँ डिनर, पेठे की सब्जी एंड साथ में रोटी बनी आज। तो खाना खाने के बाद मैं देख के आया बर्ड को, वो सही है, अभी थोड़ा बहुत खाना भी खाया, पानी भी पिया। तो चलो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड प्रे करना उसके लिए जल्दी ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सच फॉर वॉचिंग, बाय। Who told you that it was too